शुकनिया के शेजाम देखिए दोस्तों, आज का मौसम कितना खराब है और रात में काफी तेज बारिश हुई है और हवा भी चली, जिसके कारण हम लोगों की यह रहर पूरी देख लीजिए गिर चुकी है। ये देख लीजिए कैसे गिर गई है, देख लीजिए फूल भी इसमें लगने लगे थे। ये देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। ऐसे सारे अरहर में फूल लगने लगे थे, लेकिन आज नाइट में काफ़ी तेज़ बारिश होने के कारण हमारी अरहर गिर गई है। बारिश भी हुई है, हवा भी चली, जिस कारण हम लोगों की अरहर गिर गई है। और आप लोग देख सकते हैं मौसम कितना बेकार है, कितना बादल है और हवा भी चल रही है। ये देख लीजिए कितना तेज़ हवा भी चल रही है, काफ़ी तेज़। तो हम लोगों को बहुत नुकसान हो गया है। गेहूं भी धुल करके डाले हुए थे, कल धुले थे, तो नाइट में बारिश होने लगी है। जिस छत में गेहूं पड़ा हुआ था, नाइट में बारिश होने के कारण गेहूं भी हम लोगों का यानी कि गीला हो गया है। तो ये दो तीन यानी कि हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो चुका है ये अरहर गिरने के कारण, और बहुत नुकसान हो गया है। कितनी अच्छी अरहर में फूल लग रहे थे, कुछ दिनों बाद ही इसमें फल लग जाते, तो अब ये ना अब ना इसमें ये गिर चुकी है, अब इसके सारे फूल मारे जाएंगे। दोबारा से फूलेंगे तो फल लगेंगे, अगर नहीं फूलती तो फल लग पाना बहुत मुश्किल है, फल नहीं लग पाएगी। और देख लीजिए दोस्तों, ये बरसीन बोई हुई है जानवरों के खिलाने के लिए, हम लोगों ने बरसीन डाल दिए है इतने पे, तो ये बरसीन बोए हुए अपने ग्राउंड के अंदर। तो इस पे जब बड़ी हो जाएगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बरसीन हम जानवरों के खाने के लिए छोटी सी क्यारी पे धनिया लगा रखे हैं, ये लाइन की लाइन टमाटर लगे हुए हैं ठंडी वाले, और मौसम तो इतना बेकार है कुछ कहा नहीं जा सकता। देख सकते हैं कितना तेज़ हवा चल रही है, इतना तेज़ चल रही है, झकोरे मार रही है कुछ तेज़, जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी यानी जो बरसीन वो अरहर गिरी है, ये झकोरों के कारण गिरी हुई, क्योंकि पहले तो बारिश हुई और बारिश होने के कारण जमीन बिल्कुल गीला हो गई और पेड़ गरु हो गए पानी भर जाने के कारण पेड़ों में, और पेड़ गरु हो जाने के कारण जब हवा चली तो बस अरहर सीधे से गिर गई, इधर उधर गिर चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों, बैगन कितने प्यारे, कितने बड़े बड़े, ये मैगल वाले बैगन हैं, अभी ये बहुत बड़े होंगे, अभी तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, दो दिन में इतने बड़े हो गए हैं, अभी चार पांच दिन जब लगे रहेंगे तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं बैगन, कितने प्यारे, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank you.